और दूसरी ओर बात करते हैं ब्लॉक एसेट्स वेरीफाई एथलीट NFT प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर वेरीफाइड एथलीट्स हैं, यानी कि रियल फेस बेस यहां पर एथलीट आपको मिल जाते हैं, जिनके ऑफिशियल हैंडल पर आपको इनकी NFT पे जिक्र होता हुआ भी दिखाई दे जाता है। WWE वेंचर भी इनके साथ जुड़े हैं। अगर बैकएंड टीम की बात करेंगे तो बैकएंड टीम इनके साथ सोलाना वेंचर भी जुड़ी हुई है, जैसे कि OKX का वेंचर होता है, वैसे सोलाना का भी खुद का यहाँ पर वेंचर है। डाओ मकर, रेटियो एंड लूडिस कैपिटल भी इनके साथ जुड़े हैं। वैसे अगर आप इनकी NFTs की बात करेंगे तो NFT इनकी काफ़ी समय पहले ही यहाँ पर लॉन्च हो चुकी थी, जहाँ पर आपको करेक्टर मिल जाते हैं, और इसका जो फ्लोर प्राइस था 1.40 सोल रहा है अभी के समय पर। वैसे इनकी जो NFTs है 100 सोल के भी यहाँ पर बिकी हैं, और वॉल्यूम की बात करूँ 6.3K सोल की इसकी जो वॉल्यूम यहाँ पर रही है। पर दूसरी ओर ब्लॉक एसेट ने अपना ब्लॉक टोकन भी यहां पर अनाउंस किया, जिसकी IDO यहां पर काफी समय से चल रही थी। अगर आपने मेरे को ट्विटर टेलीग्राम पर फॉलो किया तो मैंने वहां पर भी शेयर किया था। आई नो वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूं, पर इसलिए मैं कहता हूं ट्विटर टेलीग्राम पर फॉलो करो, वहां पर सबसे पहले पोस्ट शेयर होती है और सबसे पहले आपको बताया जाता है कौन सी IDO सबसे बेस्ट है और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये आज यहाँ पर 7:30 बजे के करीब आ जाएगी, देन हम देखते हैं कि क्या हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर 10x आप इजिली इसका प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर हाइप बनी हुई है। सोलाना प्रोजेक्ट काफ़ी हाइप पर रहे हैं शुरू से लेके अब तक। जब तक ये हाइप पर है आप अपना पैसा बना सकते हैं, बट बाद में IDO का चलन खत्म हो जाएगा तो आपका यहाँ पर रिटर्न भी वो नहीं मिल पाएगा। बट हम यहाँ पर टोकन्स की बात करते हैं, अगर आपने प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपको 20% का TGA मिलने वाला है, उसके बाद 10% आपको हर 3 महीने में यहाँ पर आपको मिलेंगे। पब्लिक में अगर आपने किया तो सेम वही प्रोसेस है, जैसे कि आपको 20% पहले मिलेगा, उसके बाद 10% एवरी 3 मंथ में यहाँ पर मिलने वाला। बट जब 20% आपको मिलेगा तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपना जो इनिशियल है सबसे पहले वो निकालें, उसके बाद आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब NFT यूटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी दोहराई जा रही है कि यहाँ पर जो NFTs होल्डर हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर चांस मिलने वाला है, जो कि बड़े बड़े एथलीट हैं उन्हें मिलने का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अभी ट्रेंड पे है, प्ले टू अर्न NFT, यानी कि सेम इनके जो NFTs कार्ड है उसके NFT के थ्रू आप खेल भी सकते हैं। अब ये देखना है कि वो गेम यहाँ पर कैसी होती है, एक्जी की तरह होती है, यहाँ पर फाइट करते हैं, पावर्स बढ़ती है, या फिर जो भी मैंने पहले डिस्कशन किया उस तरह से गेम होती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी आप इनके टोकन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अभी लॉन्च होगा देन आप देख सकते हैं, बट अभी साथ के साथ मत लें, थोड़ा सा डाउन जाता है 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, देन आप उसमें थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। बट अभी के समय पर इसकी जो IDO सेल वो खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसका प्राइस यहाँ पर कितना रहता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाइयों में, साथ के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ट्विटर टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ सबसे पहले वहां फॉलो करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।